और इफ वो बोलते हैं ना नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, तो अगर पेन नहीं होगा तो गेन कैसे होगा। मैंने तो 20 किलो का पेन और ले रखा है अपने कंधे पे, उससे और मजा आ रहा है मेरे को पता है इस सफर का। तो हम लोग बस जूड़ा की तालाब पहुंचने ही वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ आते हो तो जो भी प्लास्टिक मटेरियल है उसे लेके जाएं, या फिर उसको आप फायर भी कर सकते हैं, कहीं पर जला दें उसको किसी चीज के थ्रू, तो सुंदरता बनाए रखें प्रकृति की जो भगवान ने हमें दी है। यही भगवान है जो हमारी प्रकृति है, तो इसको हम गंदा ना करें, हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ये है इस ट्रैक की पूरी जानकारी। देहरादून से हम लोग आए थे सांकरी, आप भी आओगे तो देहरादून से डाकपत्र से सांकरी आना होता है पहले, सांकरी से जूड़ा की तालाब से भी आप जा सकते हो और दूसरा रास्ता हरगांव की तरफ से भी आप जा सकते हो। तो हम लोग जूड़ा की तालाब से आ रहे हैं, अभी अगला जो 1.5 किलोमीटर बाद यहाँ से जूड़ा की तालाब है जिसकी हाइट 9000 फीट है, फिर वहाँ से हमने 2 किलोमीटर और ऊपर जाना है, और बेस कैंप पहुँचने के बाद बेस कैंप 11253 फीट पे है ये आपका बेस कैंप, वहाँ से 4 किलोमीटर है समिट। तो अभी हम हैं सांकरी विलेज के अंदर और बारिश होनी शुरू हो गई है, मतलब अब ऊपर बर्फ गिरने वाली है। तो ये सांकरी विलेज है, छोटा सा विलेज है, विलेज तो क्या कहेंगे, एक हिसाब से मार्केट ही है मेरे ख्याल से, वो भी सांकरी में ही आता है। तो हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पे, एक होम स्टे है, वो देखो जो उस जगह पे वो होम स्टे है छोटा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो सुबह देखा नीचे की तरफ को बड़ा प्यारा सा व्यू आ रहा था, बोले इशारे किया मैंने। दोस्तों उत्तराखंड स्काउट्स के आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ उत्तराखंड में एक बहुत प्यारी सी जगह है जिस गाँव का नाम है सांकरी। सांकरी पड़ता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पिछली बार मैं आपको लेके गया था गंगोत्री की तरफ, उससे जस्ट दूसरी बरकूट वाली रोड पे। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं आज केदारकंठा, और मेरे साथ हैं दो मेरे मित्र, सूरज भाई हैं और भगवंत भाई हैं। तो ये सारे ट्रैक हैं जो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नियरेस्ट वही है केदारकंठा और जूड़ा की लेक, जो कि आज हम करने वाले हैं। तो अभी गाइड के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपका गाइड कौन है। कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे फिर हमारा नाम आता है ना सर, कि यार इनकी कंपनी से जा रखे हैं ये लोग। इस ट्रैक को शुरू करने से पहले 2-4 कंपलसरी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, ग्लव होना चाहिए, एक ये चश्मा होना चाहिए, टोपी तो होनी चाहिए, और एक नेक प्रोटेक्टर होना चाहिए, अंदर से सारे के सारे कपड़े बिल्कुल गर्म होने चाहिए आपके पास, जिनके अंदर बर्फ नहीं जाएगी। तो फिलहाल हम सब पैक हो गए और अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना। तो सांकरी आने के लिए जितनी एक्साइटमेंट थी उसी हिसाब से यहाँ पे मज़ा भी आ रहा है। यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है और ट्रैक की डिस्टेंस है 14 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रैक है इसमें इनिशियली बहुत तगड़ा पिकअप चाहिए, तो अभी 200 मीटर में बैंड बज गई है। अब उसका रीज़न ये है जो मैं नीचे डर रहा था कि ठंड लगेगी, अब अंदर पसीना आने लग गया, और इन कपड़ों को रखने के लिए जगह नहीं है, मतलब कि बैग नहीं है मेरे पास कोई। खैर पूरा मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, बाकी बंदे निकल गए आगे, बताता हूँ मैं ज़्यादा नहीं चढ़ाऊँ, नीचे रोड दिख रही है, वो रोड जा रही है आगे, आगे से भी एक ट्रैक शुरू होता है हरकी दून का, तो ये रोड काफ़ी आगे तक जाती है, बहुत सारे ट्रैक आगे होते हैं इस रोड पे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, सांसें वापस आ गई, तो चलते हैं ऊपर की तरफ को। अब यहाँ से मैं आगे आगे चलूँगा और ये बाकी सारे के सारे मेरे पीछे आएंगे। मेरे बैग में 20 केजी वजन है, तो इस ट्रैक पे जल्दी जल्दी चढ़ाई भी आ जा रही है और समतल भी आ जा रहा है। फाइनली
अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हम। तो अभी हमारा पहला स्टेशन लगभग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर रहा होगा, 1.5 किलोमीटर रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से निकल रहे हैं हम और बैग भैया ने ले लिया है। रास्ता देखो यहाँ पे कैसा है, करने का मैं नहीं करता। और यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़े हम, स्नोफॉल हो गई है। मैं भी बता नहीं पाता ना। तो आज का जो ये ट्रैक चल रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, अगर तो मेरी लाइफ में बहुत पहले से सोचता था मैं कि जाऊंगा केदारकंठा। तो हाँ यहाँ पे बहुत सारे हैं, हर की दून है, केदारकंठा है, और जितने भी लोगों को ट्रैकिंग का शौक होता है ये बेसिक ट्रैक्स है, 4000 मीटर्स में आ जाते हैं, इजी ट्रैक्स में आते हैं। तो फाइनली अभी हम जहाँ पे पहुँच गए हैं वहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मिल गई है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पे दूध वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता तो लेमन टी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये गाना जो आप अभी सुन रहे थे भैया ने गा रखा है, ये गाना आपने गा रखा ना भैया? हाँ जी भाई जी, ये भैया ने गा रखा है गाना। ये गाना आपको YouTube पे मिल जाएगा। कौन से चैनल है आपका? बांसुरी वाले बाबा की दरकांटा। बांसुरी वाले बाबा के ढाबे से हम ऊपर आ गए हैं, ज़्यादा नहीं 100 मीटर, लेकिन एक अलग ही टाइप का मौसम बन गया है, वनस्पति बिल्कुल चेंज हो गई है। तो भी हाथ पैरों में कीचड़ लग गया था, हाथों में भी पूरा कीचड़ लग गया था, स्लिप हो गया था मैं। तो उसका तरीका यही है कि इसको एज ए नैपकिन यूज़ करते हैं हम, ऊपर ऊपर की परत निकाल दी और हाथ की सारी गंदगी निकल जाएगी। देखो तो बस पहुँच गए जूड़ा का तालाब, मात्र 50 मीटर और धीरे धीरे बर्फ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। सामने देख रहे हो यही है जूड़ा की तालाब, जूड़ा का तालाब, जूड़ा लेक, जो भी आप कहो। ये एक फ्रोजन लेक है, पूरी बर्फ जमी हुई है और जम गई है ये लेक। मतलब मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी लेक बहुत खूबसूरत है, थोड़ी सी पानी है, पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ की परत जमी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके ऊपर चल सकते हैं, हम इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, और आप बिल्कुल इसको ट्राई मत करिए। तो ये हमारी पहली डेस्टिनेशन थी, अब हम आपको लेके जाएंगे यहाँ से बेस कैंप की ओर, और बेस कैंप जाके फिर समिट तक। तो काफ़ी खूबसूरत ने हाई एल्टीट्यूड पर मेरा और सूरज भैया का ये पहला ट्रैक है। तो इससे पहले हम लेके गए थे आपको महादेव के टेंपल में, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करवाया था, 2.5 से सीधे 14 किलोमीटर लेके जा रहे हैं हम आपको। तो सूरज भाई, कोई आपका मैसेज या फिर कोई अनुभव जो आप ना शेयर करना चाहो इस ब्लॉग के थ्रू, कोई भी संदेश आपका? अच्छा लग रहा है, खैर आ रही है और प्रकृति की सुंदरता के मतलब मनमोहक कर देने वाली एक सुंदरता है वहाँ की, खैर और उसके लिए ये खैर सीखने। हाँ, और तो इस ट्रैक में जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो आपने ध्यान रखना है वो रखना है अपने पैरों का, पैरों के अंदर। अब जैसे मैंने ये शूज़ भी पहन रखे हैं लेकिन इनके अंदर भी पानी चला जा रहा है, तो अपने पास कम से कम सॉक्स तो रख लें स्पेयर में, 2-3 जो भी। तो जूड़ा की तालाब में लगभग लगभग आधा घंटा बिताने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं बेस कैंप की ओर। पूरे ट्रैक में मैं आपको मिलवाना भूल गया निखिल भाई से, जो कि आज के हमारे गाइड हैं। तो निखिल भाई, अब हमें यहाँ से हमें सीधे बेस कैंप जाना है ना। हाँ। तो बेस कैंप तक का कितना टाइम, कितना किलोमीटर रह गया है यहाँ से? यहाँ से बेस कैंप जूड़ा से रहेगा 2-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है बस? तो 4 किलोमीटर कितने बज रहे हैं अभी? तो अभी 3:30। 3:30 हो गए हैं भयंकर, 3:30 कब बज गए मुझे तो पता ही नहीं चला। ट्रैक तो बड़ा खूबसूरत है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और क्या मैं अपनी फीलिंग बताऊं अब आप लोगों को, बस ये है कि समिट हो जाए। ये देख लो बर्फीला तूफान, अभी हल्का बहुत है। Yeah.
अब थोड़ा सीधा सा रास्ता आ गया है। ये वाला व्यू देखो आप सामने, अब लग रहा है कि कहीं पहुंच गए हैं। तो जहां भी अभी हम पहुंच चुके हैं, स्वर्ग से तो कम नहीं है ये।